दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगी रांची से चलने वाली 13 ट्रेन। दोस्तों जनवरी के पहले सप्ताह में रांची स्टेशन से 13 ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने रांची से चलने वाली 13 ट्रेनों के परिचालन को ग्रीन सिग्नल दे दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय को प्रपोजल भेजा था। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी मिली है उनमें रांची दुमका, रांची लोहरदगा, रांची टोरी, रांची आसनसोल, हटिया टाटा पैसेंजर, बर्धमान पैसेंजर, हटिया राउरकेला पैसेंजर सहित 13 ट्रेन शामिल हैं। खबर है मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। नए साल में 2 जनवरी से भरा जाएगा फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी हो गई है। खबरों की माने तो परीक्षा फॉर्म 2 से शुरू होकर 22 जनवरी तक भर सकते हैं। जी हाँ, वहीं विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 23 से 30 जनवरी तक भरा जाएगा। आपको बता दें कि विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क 3 फरवरी तक जमा होगा। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है। जिन छात्र छात्राओं ने मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए बेहद बड़ी खबर है। जी हाँ, खबर है हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार ने दी झारखंड वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात। दोस्तों नई सरकार के 29 दिसंबर 2020 को 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 1500 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय 59 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं 2575.70 करोड़ की राशि से 10 नई योजनाओं की शुरुआत की। इसे 24,54,798 लाभुकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1710.26 करोड़ की लागत से तैयार 171 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन सीएम श्री सोरेन ने किया। इस दौरान 962.50 करोड़ की राशि से 5,42,260 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण हुआ। इसके तहत पीएम आवास योजना के लाभुकों को भी लाभ मिला। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नए साल के पहले दिन इन राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। दोस्तों नए साल के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया, 1 जनवरी 2021 को तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा में प्रधानमंत्री द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखे जाने के बाद पीएम मोदी के सभी के लिए घर के सपने को गति मिलेगी। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, 5 साल बाद राज्य को भीख मांगने की नहीं पड़ेगी जरूरत। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने में राशि रहेगी तभी तो योजना पूरी होगी। यही कारण है कि किसानों की कर्ज माफी में 1 साल लग गए, लेकिन 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक राज्य भगवान भरोसे चलता रहा, सरप्लस बजट से आज हम कहां पहुंच गए। खनिज संपदाओं के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर्यटन, खेल, कला संस्कृति की अपार संभावनाएं राज्य में हैं, लेकिन आज कोई हड़िया बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। खबर है भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि, विस्टाडोम कोच का सफल परीक्षण। दोस्तों गुजरते साल के अंतिम दिनों में इंडियन रेलवे ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। खबर है कि इंडियन रेलवे ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नए डिजाइन के विस्टाडोम कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस बारे में भारतीय रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी है।
इस ट्वीट में कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे कोच यात्रियों के लिए ट्रेन के सफर को अधिक आरामदायक बनाएंगे, साथ ही इनका खूबसूरत कलेवर पर्यटन को और बढ़ावा देंगे। ये ट्रेन मुख्य रूप से जम्मू से कटरा रेलवे स्टेशनों के बीच से गुजरेंगी और पर्यटक इस दौरान इस खूबसूरत कोच में घाटी के बीच पहाड़ी का मनोरम नज़ारों का लुत्फ लेंगे। खबर है पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का राजस्थान में एक्सीडेंट। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन का कार एक्सीडेंट हो गया है। हादसा राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुआ। कार में उनके साथ उनका फैमिली भी था। आपको बता दें कि कार में सवार किसी को चोट नहीं लगी और सब सुरक्षित हैं। हालांकि एक राहगीर के चोटिल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर आगे सुरवाल में अजहर की कार पलट गई और बगल के एक ढाबे में घुस गई। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि हादसा कैसे हुआ। बताया जाता है कि अजहर अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए सवाई माधोपुर आए थे। वे रणथंभौर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद होटल से उनके लिए दूसरी गाड़ी आई। इसमें बैठकर अजहर और उनके परिवार को ले जाया गया। खबर है पीएफ पर एकमुश्त 8.5% ब्याज, सरकार की सहमति। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ पर 8.5% का एक मुश्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है। आपको बता दें कि ब्याज की यह रकम आज तक यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाए। सरकार के एक अधिकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय से ईपीएफओ को एक मुश्त 8.5% ब्याज देने की इजाज़त मिल गई है। ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर इसी हफ्ते श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई। वित्त मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश पर कुछ चिंता जताई थी और ब्यौरा मांगा था। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख अब 10 जनवरी तक। जी हाँ, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, टैक्स पेयर को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पास 10 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल करने का मौका है। पहले की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक थी। कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि को विस्तार कर दिया है। अब व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रिटर्न 10 जनवरी तक रिटर्न भर सकेंगे। वहीं कारोबारियों के लिए ऑडिटेड रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। जीएसटी एक्ट 2017 के तहत सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दी गई है।